फर्रुखाबाद जिले में महाशिवरात्रि के मौके पर ऐतिहासिक शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। भक्त भोले बाबा को अपनी भक्ति से प्रसन्न करने के लिए उनका जलाभिषेक कर रहे हैं, उन्हें पुष्प बेलपत्र धतूरा अर्पित करते हैं। फर्रुखाबाद में काशी के बाद सर्वाधिक शिव मंदिर है, इसलिए इसे अपरा काशी भी कहा जाता है। विभिन्न स्थानों पर भंडारे का भी आयोजन है। मंदिर और शिवालयों में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता है। शहर के पांडेश्वरनाथ, कोतालेश्वरनाथ, तामेश्वरनाथ, द्वादश ज्योतिरालिंग धाम सहित अन्य मंदिर पर शिव पूजा के लिए श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में खड़े देखे गए। लोग सुख समृद्धि की कामना के साथ फल फूल बेलपत्र भांग धतूरा बेल दूध भगवान के चरणों में अर्पित कर उन्हें प्रसन्न करने में जुटे हैं। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना होती है। ऐसी मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन शिव को प्रसन्न करना ज्यादा आसान होता है। छोटी काशी के रूप में विख्यात फर्रुखाबाद शिवरात्रि पर पूरी तरीके से शिवरंग में रंगा नजर आया। इसी तरह अमृतपुर, नवाबगंज, राजेपुर, कमालगंज, कंपिल, मोहम्मदाबाद सहित अन्य इलाके में स्थित शिव मंदिरों में भक्तों ने दर्शन पूजन किया। कई मंदिरों में दिन भर महिलाएं शिव गीत गाती रही। पंडित उमेश शर्मा, अच्छा शिवरात्रि का क्या महत्व है? शिवरात्रि का महत्व तो यह है कि शिवरात्रि के वाले दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था माता पार्वती जी से, और इसके अलावा कुछ पुराणों में भगवान शिव का जन्म भी इसी दिन माना गया है। अच्छा, इस दिन पूजा करने से भक्तों को क्या लाभ फल मिलता है? भगवान शिव को पूजा करने से शिवरात्रि पर भगवान शिव के जो भक्त हैं उनको जो भी उनके शारीरिक मानसिक कष्ट होते हैं, दैहिक दैविक कष्ट होते हैं, उसका निवारण होता है और भगवान शिव उन पर प्रसन्न होते हैं क्योंकि वो भोले हैं और वो प्रसन्न होकर उनको सुख समृद्धि के भंडार से भर देते हैं। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? शिवरात्रि इसीलिए मनाई जाती है कि भगवान शिव का जब विवाह हुआ था तो उस समय भगवान शिव के जो साथी थे उनके ब्रह्मा विष्णु, उन्होंने कहा था भगवान शिव पर जो भी जल और इसके अलावा जल के अलावा जो भी बेल बेलपत्र आदि का समर्पण बहुत आवश्यक है। पूजा करने का विधान क्या है? पूजा करने का विधि विधान है कि पहले सर्वप्रथम जल उनको समर्पित किया जाता है और उसके बाद उनका चंदन का लेपन किया जाता है और चंदन के लेपन के बाद दूध दही शहद पूरा आदि से उनका अभिषेक किया जाता है। फिर धतूरा बेलपत्र बेल आदि चढ़ाए जाते हैं। शिवरात्रि का मुहूर्त क्या है? शिवरात्रि का मुहूर्त सुबह 4 बजे से और पूरी रात्रि 4 बजे तक अभिषेक होता है। सुबह 4 बजे आरती होती है।